कंट्री सिमिलैरिटी इंडेक्स। दोस्तों, ये स्टेटिस्टिकल डेटाज ये दर्शाते हैं कि दुनिया के देशों के बीच कितनी समानताएं हैं, यानी कोई दो देश एक दूसरे से कितने सिमिलर है या कितने ऑपोजिट। और क्या आपको पता है, भारत अफगानिस्तान की तुलना में अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया से ज्यादा सिमिलर है। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच जितनी सिमिलैरिटी है उससे ज्यादा सिमिलैरिटी भारत और नाइजीरिया के बीच है। और उसी तरह चाइना। ओके, हम सभी को पता है कि भारत और चाइना काफी अलग है, और यहाँ तक कि भारत अपने पड़ोसी चाइना की तुलना में अपने से 5617 किलोमीटर दूर यूरोपियन कंट्रीज रोमेनिया और बल्गेरिया से ज्यादा सिमिलर है। मतलब जितनी सिमिलैरिटी इंडिया और चाइना के बीच है उससे ज्यादा सिमिलैरिटी तो इंडिया और रोमेनिया के बीच है। एंड दिस इज इनसेन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से देश भारत से सबसे ज्यादा सिमिलर है और कौन से देश भारत से सबसे कम सिमिलर या सिंपली कहे कि ऑपोजिट है। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कंट्री सिमिलैरिटी इंडेक्स objectivelist.com द्वारा पब्लिश किए गए है। इस इंडेक्स में कंट्रीज के 5 मुख्य एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है, डेमोग्राफिक्स, कल्चर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जियोग्राफी मीन्स भूगोल। यानी इन 5 फैक्टर्स के आधार पर हम ये निश्चय कर सकते हैं कि दो देशों के बीच कितनी समानताएं हैं। इन 5 फैक्टर्स में भी बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स में लोगों की एंसेस्ट्री, जेनेटिक्स, लैंग्वेज, रिलीजियन, एवरेज एज, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एवरेज इनकम और लोगों की शारीरिक रचना जैसे कि हाइट, वेट और जेंडर रेशियो को कंसिडर किया जाता है। कल्चर में लोगों की पर्सनैलिटी, मैरिज रिचुअल्स, हॉलीडे, देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, राइटिंग सिस्टम, स्पोर्ट्स, वायलेंस या क्राइम रेट, नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थ और वहाँ खाए जाने वाले फूड को कंसिडर किया जाता है। पॉलिटिक्स में वहाँ की गवर्नमेंट, इलेक्शन मेथड, कानूनी व्यवस्था, पनिशमेंट, वहाँ की करेंसी, डिफेंस अलायंसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टैक्स, पेंशन, वीजा एंड इमिग्रेशन पॉलिसी और सिटीजनशिप राइट्स को कंसिडर किया जाता है। टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ के टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी सोर्सेज, सैनिटेशन, वाटर क्वालिटी, ट्रैश कलेक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के मिलिट्री के एडवांस को कंसिडर किया जाता है। और वहीं जियोग्राफी में वहाँ की लोकेशन, कॉन्टिनेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट कवर, एलिवेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और कोस्टल एक्सेस को कंसिडर किया जाता है। इन 5 फैक्टर्स के आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग सभी कंट्रीज के मोस्ट सिमिलर कंट्रीज प्रोबेबली उनके नेबरिंग कंट्रीज ही होंगे। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से टॉप देश भारत से सबसे कम सिमिलर है यानी सबसे ज्यादा ऑपोजिट है। वैसे दुनिया में काफी कम देश है जो भारत से बहुत ज्यादा सिमिलर हो, क्योंकि भारत खुद बहुत ज्यादा डाइवर्स है। भारत के टॉप 5 सिमिलर कंट्रीज में से 4 कंट्रीज ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। भारत से सबसे ज्यादा सिमिलर कंट्री है नेपाल, जिसका भारत से सिमिलैरिटी इंडेक्स का स्कोर हाईएस्ट 69.8 है। नेपाल के अलावा टॉप 5 मोस्ट सिमिलर कंट्रीज है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। नेपाल टॉप सिमिलर है। भारत के अलावा अकेला नेपाल ऐसा देश है जहाँ की 50% से ज्यादा आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। नेपाली लैंग्वेज भी हिंदी से सिमिलर है और दोनों सेम देवनागरी राइटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ तक के नेपाल और भारत के बीच नागरिकों के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है। हालांकि नेपाल भारत की तुलना में ज्यादा माउंटेनियस है और वहाँ का क्लाइमेट भी काफी ठंडा है, जो नेपाल को जियोग्राफिकली भारत से काफी अलग बनाता है। सेकंड हाईएस्ट सिमिलर कंट्री है पाकिस्तान। हालांकि दोनों ही कंट्रीज के बीच अनफ्रेंडली रिलेशंस है, लेकिन फिर भी दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और उर्दू, जो कि भारत से सिमिलर है। उर्दू लैंग्वेज हिंदी की ही एक डायलेक्ट है जिसमें अरेबिक राइटिंग स्क्रिप्ट यूज होती है। एक डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है और वहाँ का क्लाइमेट भी इंडिया से ज्यादा सूखा है। नेक्स्ट है श्रीलंका, जो कि भारत की सिमिलर कंट्रीज की लिस्ट में टॉप 3 में आता है। पाकिस्तान की तरह ही इंडिया और श्रीलंका में मेन डिफरेंस लैंग्वेज और रिलीजन का ही है। मेजोरिटी श्रीलंकन्स थेरावादा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और सिंहाली भाषा बोलते हैं, लेकिन वहाँ तमिल माइनॉरिटीज भी है। श्रीलंका की गवर्नमेंट वर्किंग लैंग्वेज भारत की तरह ही इंग्लिश है।
फोर्थ है बांग्लादेश, जो 1947 से पहले तक भारत का ही हिस्सा था, इसीलिए भारत से काफी सिमिलर है। मेन डिफरेंस अगेन रिलीजन और लैंग्वेज है। बांग्लादेश की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, जो बंगाली भाषा बोलती है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और बांग्लादेश काफी फ्लैट है, यहाँ कोई टॉल माउंटेन नहीं है। और फिफ्थ मोस्ट सिमिलर कंट्री है म्यांमार। म्यांमार भारत से सिमिलर तो है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। वहाँ के लोगों की इतनी सिटी ईस्ट एशियन कंट्रीज थाईलैंड और कंबोडिया से ज्यादा सिमिलर है। म्यांमार की भी मेजोरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है और वहाँ की बर्मीज लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज से एकदम अनरिलेटेड है। हालांकि उनकी राइटिंग सिस्टम इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ही देशों की राइटिंग सिस्टम समान ब्राह्मी स्क्रिप्ट से उद्भव हुई है। इन 5 देशों के अलावा अगर टॉप 15 सिमिलर कंट्रीज की बात करें तो उनमें है इंडोनेशिया, भूटान, मॉरिशियस, नाइजीरिया, फिजी, केन्या, गुयाना, तंजानिया, घाना और जिम्बाब्वे। दोस्तों, भारत केन्या और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से भी काफी सिमिलर है, क्योंकि उन्होंने भी भारत की तरह ही इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया है। उनका क्लाइमेट भी भारत की तरह ही ट्रॉपिकल और डेजर्ट का मिक्सचर है, और वहाँ भी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। इन टॉप 15 के अलावा मैप के आधार पर समझिए भारत के टॉप 55 सिमिलर कंट्रीज। ये है टॉप 5, टॉप 15, टॉप 25, टॉप 35, टॉप 45 और टॉप 55 सिमिलर कंट्रीज। 55th नंबर पर है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो। बात करते हैं सबसे कम सिमिलर कंट्रीज की, तो वो है आइसलैंड, जिसका भारत से सिमिलैरिटी इंडेक्स का स्कोर लोएस्ट 36.5 है। आइसलैंड के अलावा टॉप 5 लिस्ट सिमिलर कंट्रीज है फिनलैंड, कनाडा, नॉर्वे और साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया भी। एशिया में भारत से सबसे कम सिमिलर कंट्री साउथ कोरिया ही है। ये सभी टॉप 5 लिस्ट सिमिलर कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, और उनका क्लाइमेट भी काफी ठंडा है। उनकी जमीन का सिर्फ कुछ ही परसेंटेज एग्रीकल्चर में यूज होता है, और भारत के ऑपोजिट वहाँ काफी कम लोग फार्मर्स है। इसके अलावा ये सभी कंट्रीज रोड पर राइट साइड से ड्राइव करते हैं। आइसलैंड भारत से लीस्ट सिमिलर कंट्री है। आइसलैंड एक हाईली डेवलप्ड कम आबादी वाला द्वीप देश है। न केवल वहाँ के लोग और कल्चर भारत से अलग है, बल्कि वहाँ की जियोग्राफी भी भारत से काफी अलग है। आइसलैंड का क्लाइमेट काफी ठंडा है, और शायद ही वहाँ के किसी जमीन पर एग्रीकल्चर होता हो। इसके अलावा भारत का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आइसलैंड की तुलना में कई गुना ज्यादा डेवलप है। भारत का रेल नेटवर्क काफी फैला हुआ है, जबकि आइसलैंड में कोई रेल लाइन है ही नहीं। सेकंड लोएस्ट सिमिलर कंट्री है फिनलैंड, वो भी काफी ठंडा कम आबादी वाला नॉर्डिक देश है। फिनलैंड के लोगों के जेनेटिक्स दूसरे यूरोपियन देशों की तुलना में भारत से काफी अलग है, क्योंकि फिनलैंड के लोगों के जीन्स इंडो यूरोपियन से नहीं बल्कि साइबेरियन जीन्स से ज्यादा रिलेटेड है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी उन्हें आइस हॉकी पसंद है, जबकि भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है कनाडा। हालांकि दोनों ही देश फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थे, लेकिन दोनों में ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है। कनाडा कम आबादी वाला हाईली अर्बनाइज्ड कंट्री है, जो कि भारत के घनी रूरल पॉपुलेशन के एकदम ऑपोजिट है। इसके अलावा भारत में ज्यादातर वेजिटेरियन फूड खाया जाता है, जो कि मीट लवर कैनेडियंस से काफी अलग है। फोर्थ लिस्ट सिमिलर कंट्री है नॉर्वे, एक और नॉर्डिक देश। नॉर्वे भारत से ऑपोजिट ज्यादातर पहाड़ी देश है। ये भारत से ज्यादा डेमोक्रेटिक है, और अपने लार्ज ऑयल रेवेन्यू के कारण नॉर्वे की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके अलावा है साउथ कोरिया, जो एशिया में भारत से सबसे कम सिमिलर है। हालांकि दोनों ही देश डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन साउथ कोरिया में एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, और उसकी ज्यादातर जमीन समुद्र के बेहद करीब है। साउथ कोरिया का कल्चर और डेमोग्राफिक भारत से काफी डिफरेंट है। हालांकि दोनों ही देशों की बड़ी आबादी धार्मिक रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन साउथ कोरियाई लोग लेस रिलीजियस है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड भी भारत के लिस्ट सिमिलर कंट्रीज है। और दोस्तों, इस मैप को देखिए, यहाँ है भारत के 55 लिस्ट सिमिलर कंट्रीज। एंड अगर डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें, तो डेमोग्राफिक में नेपाल भारत से सबसे ज्यादा सिमिलर है, जबकि साउथ कोरिया भारत से सबसे कम सिमिलर है। कल्चर में पाकिस्तान भारत से मोस्ट सिमिलर है, जबकि जापान भारत से लिस्ट सिमिलर है। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में भी नेपाल भारत से सबसे ज्यादा सिमिलर है, जबकि नॉर्थ कोरिया भारत से सबसे कम सिमिलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें पाकिस्तान भारत से सबसे ज्यादा सिमिलर है, वहीं यूनाइटेड स्टेट सबसे कम सिमिलर है। जियोग्राफी में बांग्लादेश इंडिया से मोस्ट सिमिलर है, जबकि आइसलैंड लिस्ट सिमिलर है। दोस्तों कमेंट में बताइए इस लिस्ट में से आपको किस देश ने सबसे ज्यादा शॉक किया। मुझे पर्सनली साउथ कोरिया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउथ कोरिया भारत से इतना ज्यादा अलग है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।